हेलो गाइस, आई एम शोविक और मैं आ गया हूँ लेके आप लोगों के लिए जुजुत्सु काइजन जीरो का रिव्यू, मूवी का रिव्यू। तो यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसका रिव्यू तो पहले आ चुका है, लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं यूट्यूब में वो सिर्फ मांगा का रिव्यू है, मूवी का रिव्यू अभी तक कोई नहीं डाला। तो ये पेश है आप लोगों के लिए जुजुत्सु काइजन जीरो का रिव्यू। देखिए, एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे भी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मैं बना सकूंगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। एंड तो मूवी यहीं पे स्टार्ट होता है। मूवी स्टार्ट होते ही देखा जाता है कि यूता जो स्कूल में पढ़ता था, हम लोगों का मेन प्रोटागोनिस्ट जो है यूता, तो यूता जो स्कूल में पढ़ता है उसको वहाँ पे बुली किया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है और मतलब उस पर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यूता को परेशान कर रहा है, बता रहा है कुछ, तो वहाँ पे यूटर डर जाता है। डर के वो रिका सान को बुला लेता है। रिका सान वही है जो इसके मतलब साये के साथ जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं रिका सान का हाथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। रिका सान आ गई, इसको दबोच लेती है, दबोच के इसको मार डालती है। स्कूल में कोई जिंदा नहीं रहता है। तो वहाँ पे सिनेमा मतलब मूवी स्टार्ट होती है जुजुत्सु काइजन जीरो। तो ये सीन जो होता है उसके बाद जो खून से लथपथ नीचे सब मतलब नीचे बैठा हो रहा है यूता, और यहाँ पे देख रहा है ड्रॉयर से या फिर अलमारी से कुछ निकल रहा है, इसका चेहरा निकल रहा है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है स्पेशल ग्रेड कर्स। तो ये सब होने के बाद जब मतलब गोजो को बुलाया जाता है काउंसिल में, जुजुत्सु हाई स्कूल के काउंसिल में, जहाँ पे इसको पूछा जाता है कि तुम इस बच्चे को क्यों भर्ती करना चाहते हो, तो ये तो पहले भी ये सब इंसिडेंट कर चुका, और यहाँ पे इसका मतलब यूता का एग्जीक्यूशन का भी डेट फिक्स किया जाता है। लेकिन यहाँ पे गोजो बताता है ये सिर्फ 16 साल का लड़का है, लेकिन इसने 3 ग्रेड 2 सॉसरर्स और 1 ग्रेड 1 सॉसरर को हरा दिया था, मतलब वहाँ पे उस पर हावी हो गया था। और मतलब काउंसिल मेंबर्स को किसी तरह मना लेता है कि ये मेरे अंडर रहेगा, मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ, यूता ओकोत्सु नाम है इसका, 16 साल का लड़का, इसका जिम्मेदारी मैं लूंगा और मेरे अंडर ये जुजुत्सु हाई स्कूल, टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में पढ़ेगा। तो यहाँ पे एल्डर्स को कन्विंस करने के बाद ये यूता से मिलता है, यूता को बताता है, ये एक चाकू दिखा के बताती है ये तुमने किया है। तो ये बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रेस में था, मैं बहुत डरा हुआ था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब भी किसी से मतलब क्लोज होने की कोशिश करता हूँ तो रीका सान आ जाती है, वो तो उसको हाथ डालती है, ये सब बता रहा था। फिर ये गोजो ने बताया कि तुम अगर अकेले मतलब ऐसे रहोगे तब तो तुम बहुत लोनली फील करोगे। तो ये सब सोच बहुत सोच विचार करने के बाद यूता ने सोचा कि चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। और यूता देख रहे हैं कि मतलब आप लोग मूवी देखेंगे कि नहा धो के रेडी होके स्कूल के लिए रवाना हो रहा है, तो रोड पे गोजो मिल जाता है, तो उसको गोजो अकम्पनी करके ले जाते, देख सकते हैं कि पांडा माकी और तोगे चल के जा रहे हैं क्लास में, और ये लोग बात कर रहे हैं अपने नए क्लासमेट की यूता की। इन लोगों को मतलब पहले से ही पता चला, मतलब इंफॉर्मेशन दिया दिया रहता है कि तुम लोगों के साथ कोई और ज्वाइन करने वाला है, तो ये लोग और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। जैसे ये लोग बात कर रहे हैं कि यूता ने पहले भी अपने क्लासमेट्स को अलमारी में बंद करके इन लोग मार दिया था, या फिर बहुत बुरी बुरी तरीके से घायल कर दिया था, हेविली इंजर्ड था वो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे माकी बोलती है कि अगर वो कुछ नटकेस हुआ तो मैं संभाल लूंगी, तो भी बोलता है कि यार मैं तो तैयार हूँ, देखते हैं क्या है। तो फिर ये लोग आ जाते हैं क्लासरूम में जहाँ पे गोजो बैठा हुआ है, गोजो इंट्रोडक्शन दे रहा है, मतलब नया स्टूडेंट आने वाला है इसके वजह से, और यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, सबको इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई होगा नटकेस होगा जो अपने क्लासमेट्स को मार देता है या फिर क्लासमेट्स को हेविली हिट कर देता है, इसलिए कोई भी उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता होगा यहीं पे जो सीन था दिखाया गया था ट्रेलर में कि वो जब यूता एंट्री मारता है क्लास, देख सकते हैं कि यूता जब भी क्लासरूम में घुसता है उसके साथ एक स्पेशल ग्रेड कर्स जो हम लोग को बाद में पता चलेगा रिका ओरिमोतो है, रिका ओरिमोतो, जिससे मतलब जुजुत्सु हाई के काउंसिल मेंबर्स भी डरते हैं कि सोचते हैं कि स्पेशल ग्रेड कर्स से कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे गोजो ने उन लोगों को मना लिया कि मेरे अंडर है तो मैं संभाल लूंगा बोल के ले लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पेशल ग्रेड कर्स यूता मतलब यूता के साथ ही घूमता है, तो इसको देख के सब चौंक जाते हैं और सब देख रहे हैं अपने अपने कर्स कर्स वेपन लेके इसको अटैक करते हैं। ये पांडा भी अपने हाथों में ग्लव्स लगा लिया है और ये भी अपना मतलब मुखौटा हटा लिया है, ये कर्स पीस यूज है तोगे। तो
इन लोगों का इंट्रोडक्शन बाद में होगा, लेकिन ये लोग तीनों मिलके आ जाते, कन्फर्म करते युता को, तुमको पता भी है कि तुम कष्ट लेके घूम रहे हो, ऐसे बोलते हैं। तो युता को कुछ पता नहीं होता है कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई होता है कुछ और। तो यहीं पे ये लोग मतलब डिस्कस करते हैं, तुमको पता नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कर्स को यूज करके कर्स को मारते हैं। तो यहाँ पे सब चौंक जाते हैं, और मतलब युता भी चौंका हुआ है, गोजो की तरफ देखता है, बोलता है ये सर ये तो हम लोग पहले बता सकते थे, और ये स्टूडेंट्स भी बाद में चौंक के बताते हैं, या सर अब तो इसको पहले बताना चाहिए था। तो यहाँ पे सातोरू भी एक्सप्लेन करता है कि हर साल जापान में 10,000 से भी ज़्यादा लोग मर जाते हैं, और ज़्यादा इसमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो होते हैं, एक्सीडेंट्स कर्स कर्स जो होता है, कर्स खुद करता है, कर्स की वजह से होता है। और कर्स जो होता है नेगेटिव इमोशन से बनता है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स जहाँ पे बैड मेमोरीज रहती है वहाँ पे ज़्यादातर ग्रो करता है ये कर्स। और इस ऐसे भी इस कर्ज के अलावा हम लोगों के पास मतलब सीखने के लिए इविल कर्ज यूजर्स जो है ये सब है, और वेपन्स है, और अदर कर्ज क्या, और एक कर्ज दूसरे कर्ज को अफेक्ट कर सकता है, ये भी तुमको सीखना है। और दिस इज वेयर यू विल लर्न कर्सेस टू एक्सरसाइज, मतलब तुम जो कर्ज लेके घूम रहे हो उसको एक्सरसाइज कैसे करते हैं वही यहाँ पे सिखाया जाता है टोक्यो जुत्सु हाई स्कूल में। तो यहाँ सब चौंक जाते हैं कि गोजो ने ये सब पहले नहीं बताया युता को, युता अभी आया, युता को अभी पता चल रहा है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जा रही है यहाँ पे, जब युता भी छोटा था। तो ये बैक स्टोरी इसकी बाद में आएगी कि युता कैसे मिला रिका सन से। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि युता और रिका खेल रहे हैं एक मैदान में, तो वहाँ पे युता का बर्थडे है, तो वहाँ पे रिका बर्थडे गिफ्ट देती है उसको। तो बर्थडे गिफ्ट इतनी छोटी उम्र में लोग कुछ और देते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिका सन ने दिया उसको एक एंगेजमेंट रिंग दिया था, बर्थडे प्रेजेंट। बर्थडे प्रेजेंट पा के ये खुश भी था, और थोड़ा मतलब देख रहे इसका चेहरा के पता चल रहा है, थोड़ा चौंका हुआ भी है। तो यही सीन चलते चलते अचानक एक सीन आ जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे रिका सन की मौत हुई थी। तो वहाँ पे तो ये दोनों चल के जा रहे थे, रोड क्रॉस करते हुए कोई गाड़ी आके रिका सन को उड़ा देती है। तो वहीं पे युता जो डिस्पेयर होता है, जो सोचता है कोसता है अपने आप को, फिर मन में दुखित होता है कि एक ही दोस्त हमारा वो भी चली जाती है। तो उस वजह से रिका सन सही से उसका उसकी सोल रिलीज नहीं होती है, तो वो कर्स एक कर्स को लेके पकड़ लेती है, और ये एक स्पेशल गेट कर्स है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सीडेंट होता है, तो वहीं पे खड़ा था युता, और रिका सान यहाँ पे गिरी हुई है। तो यहाँ पे जब ये रोने लगता है, सोचता है कि मेरा एक ही दोस्त था वो भी चला गया, तभी कर्स एक निकल के देख सकते हैं इसका पैर पकड़ लेता है, और यही जाके स्पेशल ग्रेट कर्स का रूप ले लेते हैं अभी। जो हम लोग देखेंगे कि सारू को जब क्वेश्चन किया जाता है, प्रिंसिपल्स और स्कूल के एल्डर्स को क्वेश्चन करते हैं कि ये खतरनाक हो सकता है, तब सातो भी बताता है कि इस कर्ज के बारे में कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इसका अपियरेंस एक या दो बार ही हुआ है, और ये जो लड़की थी रिका सान, रिका ओकोत्सु, तो ये मतलब कोई भी स्पेशल ग्रेट कर्स की मतलब फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, तो ये एकदम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, और ये कैसे स्पेशल ग्रेट कर्स बन गई ये भी एक चौंकाने वाली बात है, तो इसमें बाद में आएंगे। तो यही हुआ था बात कि कैसे ये रिका सान स्पेशल ग्रेट कर्स बन गई। तो हो सकता है कि ये लव जो होता है, लव के लिए हो सकता है। तो ये सब गोजो सातोरू ने बताया था एडर्स को कि ये अभी कुछ नहीं बता सकते, ये ट्रायल एंड एरर फेज में है, और जब तक ये चल रहा है जो क्लासमेट्स थे वो लोग अभी शांत हो गए, और रिका सान भी मतलब शांत हुई, रिका सान चली गई। और यहाँ पे गोजो बोलता है कि तुम लोग क्लासमेट्स हो, तो मैं क्लासमेट्स को दो टीम में बटा दूंगा जो प्रैक्टिस करेंगे, और पांडा और टोगे को एक टीम में डालता है, और माकी और युता को एक टीम में डालता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि माकी बिल्कुल खुश नहीं है युता को टीम मेट
मानने में यहाँ पे वो डोंट बोल देती है, इसलिए ये ऐसे देख रहा है उठा माकी को। तो ये लोग प्रैक्टिस में जाते हैं, प्रैक्टिस में जाने से पहले यहाँ पे एक कन्फ्रंटेशन होता है जहाँ पे माकी बता देती है कि यार तुम तो पहले भी बुली हो चुके हो, तुम्हारा फेस भी ऐसे बुली होने वाला ही है, मैं होती तो मैं भी बुली करती तुमको। ऐसे बताने पर पांडा बोल रहा है, यार माकी मत करो ऐसे तंग इसको, ये ऐसे भी दुखित है। और यहाँ पे तोगे भी बोलता है कि छोड़ दो इसको, क्या फायदा। तो अगला सीन हम लोग देखेंगे कि युता और माकी पहुंच जाता है एक स्कूल में, जहाँ पे मतलब गोजो इन लोगों को लेके जाता है पहला असाइनमेंट इन लोगों का एक साथ, जो एक स्कूल में दो बच्चे खो गए थे वहाँ पे। मतलब इन लोगों को कर्स यूज करके, ये कर्स को हटाने के लिए इन लोगों को पहुंचा मतलब असाइनमेंट दिया गया था पहला असाइनमेंट। तो यहाँ पे गोजो इन लोगों को समझा देता है कि दो किड ऑलरेडी मिसिंग है और ये नेचुरली ऑकर्डिंग कर्स है, जो जहाँ स्कूल हॉस्पिटल्स ये सब में ऑकर होता है, जहाँ नेगेटिव इमोशन ज्यादा काम करता है। तो वहाँ पे गोजो इन लोगों को समझा देता है, और यहाँ पे गोजो एक बेल भी उन लोगों के मतलब स्कूल के आगे पूरा चारों तरफ फैला देता है, जिससे अंदर से ही कोई बाहर आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, कुछ ना हो सके। ये गोजो के इंस्पेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं कि गोजो मतलब इन लोगों को बोलता है कि चलो काम खत्म करके बाहर आ जाना, ऐसे बोल के गोजो बाहर चला जाता है बेल के। और यहाँ पे पहले इनकाउंटर होता है इन लोगों के साथ, तीन छोटे छोटे कर्स जो अपना जो यहाँ पे मुंह के यहाँ पे सिलाई है, सिलाई खुल के आते हैं दौड़ के, देखेंगे यहाँ पे आगे ये दौड़ के आ रहे हैं। और यहाँ पे माकी संभाल लेती है तीनों को, और जब ये लोग अंदर घुसते हैं, अंदर बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, तो वहाँ पे इन लोग का सामना होता है एक अच्छा कर्स के साथ, मतलब ग्रेड ए कर्स या फिर सेमी ग्रेड ए कर्स के साथ, जो इन लोगों को मतलब हवा में उछाल देता है। ये बिल्डिंग तोड़ के अंदर बाहर आया और इन लोगों को हवा में उछाल दिया। तो यहाँ पे माकी कोशिश करती है कि इसको हराने के लिए, देख सकते हैं कि लेकिन का जो कर्स कर्स वेपन था ये भी मतलब डिफ्लेक्ट होकर निकल जाता है, तो और ये लोग अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे माकी भी इंजर्ड रहती है, और ये खाना खाने के बाद बोलता है वाह व्हाट ए मील। जब इन लोगों के पेट के अंदर ये दोनों रहते हैं, माकी बहुत गुस्से में है कि उसने अपना कर्स वेपन खो दिया, मतलब बाहर फेंका, बाहर रखा हुआ है। और यहाँ पे युता भी मतलब पड़ा हुआ है, युता तो कुछ नहीं जानता, ये पहला असाइनमेंट है, पहले ही वो चला गया कर्स के पेट में। तो यहाँ पे इन लोगों का मुलाकात होता है ये दो बच्चे के साथ, जो सातों ने बताया था कि दो बच्चे गायब है, ये दो बच्चे वही है। तो बच्चे मिल जाते हैं, बच्चे जिंदा है, लेकिन मरने के तादाद में देख सकते हैं एक का चेहरा आधा हो चुका है कर्ज के इफेक्ट में आ चुका है, दूसरा भी मतलब खून निकल रहा है मुंह से। तो यहाँ पे माकी भी अचानक गिर जाती है, अनकॉन्शियस हो जाती है, देख रहे हैं कि उसको इंजर्ड हुआ, तो वहाँ पे कर्ज का इफेक्ट स्टार्ट हो गया पैर के वहाँ पे। तो यहाँ पे चिंता चिंतित हो जाता है युता। और फिर जो माकी ने स्पीच दिया इसको कि तुमको कुछ करना है, तुम कुछ करने के लिए आए हो, यहाँ पे वही करता है, जो गले में उसका रिंग था उसको फाड़ के वो अपने हाथ में लगा लेता है और मांगता है रिकासन से पावर। और तभी रिकासन देख सकते हैं इमर्ज होती है उस कर्स बॉडी से निकल के, मतलब पेट से निकल जाती है, पेट से निकल के बाहर आती है। बाहर आने के बाद देख सकते हैं इसको मार डालती है उस कर्स को, मतलब उसका चेहरा बिगाड़ देती है, ये कर देती है। उसके बाद देख सकते हैं कि बाहर वेल के बाहर भी रह के मतलब गोजो जो गोजो का 6 आंख है उससे वो देख सकता सब कुछ। और यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पेशल ग्रेट कर्स का जो अटैक था, अटैक देख के ये डर भी रहा है, कुछ भी हो रहा है, और ये बता रहा है कि इट्स टेरिफाइंग। ये आप लोग मूवी देखेंगे तो पता चलेगा, मैंने देख लिया है। तो ये यहाँ पे बोलता है कि इट्स वेरी फ्राइटफुल सीन। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंगेजमेंट रिंग देख के रीका सैन भी खुश है, और उस खुशी की वजह से और उसको मतलब बुरी तरीके से मार देती है युता। वो तीनों को कैरी करके बाहर लेके आता है, और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करता है सातों कि जॉब वेल डन। और में जहाँ युता माकी और बाकी दो बच्चों को लेके सातों पहुंचता है, और वहां पे युता के साथ बात होता है सातों का कि कैसे ये कर्स को पहचानता है ये। तो अचानक एक लड़की को चलते हुए देखता है, तो उसको देख के मतलब उसको याद आ जाता है कि जो बचपन में जैसे मिला था जो रिका चंद से, देख सकते हैं कि ये आ रहा था तो रिका चंद को देखा, और मतलब ये एक दूसरे के साथ नजर मिला और कुछ दोस्ती जैसा हो गया, फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। और देख सकते हैं कि जब ये लोग खेल रहे थे उसके बाद
वो सीन आता है जहाँ पे ये लोग बर्थडे के दिन गिफ्ट एक्सचेंज करते, तो ये याद करते करते इसको याद आ जाता है कि एक्सीडेंट के बाद शायद यूता ने ही रिका को कर्ज कर दिया, इसलिए ये रिका रुकी हुई है, मतलब एक कर्ज बन चुकी है। इसको नहीं लगता कि रिका कर्ज बन के इसके साथ घूम रहा है, ये इलिंग है वहाँ पर जहाँ फाइट हुआ था, मतलब यूता अनलिश किया था रिका चान को। तो वहाँ पे एक कैरेक्टर आता है जिसके मतलब शैडो से पता चल रहा होगा कि ये वही जूस सॉसर है जिसका मतलब गोजो बात करता है जिसके बारे में बाद में, और ये शैडो में ही देख रहा है कि ये आइडेंटिटी कार्ड है जूस सॉसर का, ये यूता का कार्ड यहीं पे गिर गया था। तो इसको उठाता है, उठा के इसके बारे में सोचता है कि स्पेशल ग्रेट कर्स है कैसे हासिल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं कि काउंसिल मेंबर्स जो थे एल्डर्स जो बात कर रहे हैं गोजो के साथ रिका और ओरिमोतो के बारे में कि ये कर्ज 457 सेकंड के लिए था, मतलब फोन में था, अगर ये कुछ ज्यादा देर रहता तो ये टाउन भी मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो यहाँ पे मतलब गोजो बोलता है कि अगर उतना कुछ होता कि तो मैं संभाल लेता, मैं बचा लेता। और यहाँ पे गोजो एक बताता है कि एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब ये रिका ओरिमोतो कोई कर्स फैमिली, मतलब कोई कर्स फैमिली नहीं, कोई ग्रेट फैमिली से भी बिलोंग नहीं करती, कि इसको मतलब ये मर जाने के बाद इतना भयानक कर्स बन गई है, कैसे हो सकता है ये। तो इसको इसी के ऊपर छोड़ देने बोल रही है, ट्रायल एंड एरर के लिए कोशिश करने के लिए बोला वो गोजो, और बोला देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे काउंसिल मेंबर फिर बोलता है कि तुमको लगता है कि ये जोक है, तो और ये भी बोलता है कि यूता ओकत्सु का जो एग्जीक्यूशन था वो सस्पेंड हो गया इसी इसीलिए। तो ये तभी बोलता है गोजो कि अगर इसकी बात फिर से आई तो मैं खड़ा रहूंगा यूता के साथ, ये आप लोग देख लीजिए, और निकल जाता है बोल के। तो ये जब बाहर आता है तो देख सकते हैं कि ये अपना आँख फिर से ढक लेता है और जाता है, देखता है कि मतलब मन ही मन में सोचता है कि इन लोगों का बचपन, इन लोगों का यूथ नहीं जाना चाहिए, किसी का यूथ भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत मतलब अभी भी बहुत कमजोर है, ये माँ की दौड़ के चला चली जाती है सामने से। और तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कि गोजो ले जाता है यूता को आर्मरी में, और आर्मरी में दिखाता है उसको कि ऐसा ऐसा कर्स वेपन है जो तुम यूज कर सकता है, मतलब अपना कर्स एनर्जी को तुम स्वॉर्ड में या फिर कोई भाला में यूज कर सकता है एमबीयू करके, फिर वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। स्वॉर्ड और कर्स ज्यादातर स्टेबल होते हैं किसी ऑब्जेक्ट की ओर, इसलिए ये कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है इसको यूता को। और अगर मतलब ये पहले बोलता है गोजो, पहले भी बोलता है कि कर्स जो जितना बड़ा है रिकवरी में तो उसको एक्सरसाइज करना तो कोई मामूली बात नहीं है, नहीं इम्पॉसिबल ही है महक, लेकिन तुम इसको ब्रेक कर सकता है, इस कर्स को तुम ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करने के लिए तुमको बहुत उस जुत्सु का ज्ञान होना चाहिए, वो नॉट्स तुमको खोलना खोलना आना चाहिए, तभी तुम इसको मतलब एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा फिर भी तोड़ पाएगा, कर्ज को तोड़ के भी तुम एक्सरसाइज कर सकता है तो उसको मतलब ज्यादा आसानी होगा करने में। तो वहाँ पे एक सोर्ड निकाल के देता है और तो यहाँ पे खुश हो जाता है यूता उसको कटाना देख के। तो बोलता है फिर कि ऐसे तुम सोर्ड में कर्ज एनर्जी इम्ब्यू करके फिर इसको यूज कर सकता है, और ऐसे धीरे धीरे तुमको सीखने के लिए पहले तुमको सोर्ड चलाना भी आना चाहिए, उसके लिए भी इसको ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि कल से ट्रेनिंग करो पहले, और ये दोनों जब तुम सीख लोगे तभी तुम अच्छा ग्रेट सोसरस बन सकोगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे थम्स अप देता है कि चलो ट्रेनिंग स्टार्ट करो कल से, और यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट होता है और देख सकते हैं कि माकी के साथ ये ट्रेनिंग कर रहा हैंड टू हैंड कम्बट। तो यहाँ पे दोनों मतलब फाइटिंग स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब फ्रेंडली फाइट चल रहा है फिर भी प्रैक्टिस में, और यहाँ पे माकी जीत रही है फिर भी उसे, और यूता धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पे पांडा और तोगे और गोजो तीनों बात कर रहे थे कि कैसे 3 महीना हो गया यूता आया हुआ है और ये लोग मतलब कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, मतलब अपने सॉर्सर स्किल्स में भी और सोर्ड स्किल्स में भी। तो ऐसे बात करते करते अचानक पांडे को एक रिवल्यूशन आता है कि यूता भी सिंगल है और माकी भी सिंगल है, कि उन्हें दोनों का मैचअप करा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खड़ा हो गया, खड़ा होकर फिर बुला रहा है, यहाँ पे बुलाया यूता को, यूता गया वहाँ पे, यूता जाने के बाद पूछ रहा है तुमको कैसी लड़की पसंद है, तो यहाँ पे बोलता है कुछ और यहाँ पे देख रही है ग्रीन सिग्नल दे रहा है पांडा। तो बुलाता है तोगे को,
इनोमा की ये फर्स्ट ईयर्स में ऐसा है कि अकेला ही ये सेकंड ग्रेड है, ग्रेड टू सॉसरर बोलते हैं इसको। तो इसको रिक्वेस्ट आते हैं कहीं से भी कि मतलब जैसे अभी रिक्वेस्ट है कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में कोई लो लेवल कर्स दिखाया गया, तो इसको बुलाया जाता है एक्सरसाइज करने के लिए उसको। तो यहाँ पे गोजो आके बोलता है कि तुमको यहाँ पे जॉब असाइन किया गया है, तुम मतलब रिक्वेस्ट किया गया है तो तुम यहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे पूछता है यूता की रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे वो पांडा समझाता है कि कैसे वो ग्रेड टू है इस सब फर्स्ट ईयर्स में। तो यहाँ पे उसको भी मतलब गोजो बोलता है कि तुम भी जाओ साथ में सपोर्ट की तरह रहना। तो यहाँ पे गोजो उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता है कि जैसे हजारों तरीके का कर्ज होता है तो उसको भी मतलब एक्सरसाइज करने के लिए बहुत तरीके का जूसू सॉसरस होते हैं और बहुत टेक्निक यूज करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे जैसे तोगे इनुमा की जो कर्ड स्पीच यूज करता है उसके बारे में बोलता है कि तुम इससे ये सीख सकते हो, ये टेक्निक तुम सीख सकते हो। उता को अलग से बुला के गोजो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे इस जॉब में रीका को अनलिश कर देते हो तो दोनों का जाएगा गला, सर उड़ जाएगा दोनों का, मतलब इसकी ये भी नहीं बचेगा, गोजो भी बचेगा और यूता भी नहीं बचेगा। तो इसको बोलता है कि तुम कोशिश ही नहीं करना जिससे रिकासन फिर से इमर्ज हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे जॉब है वहाँ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जाके ये जो आदमी है वहाँ पे उसको जॉब असाइन करा है। तो यहाँ पे ये लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया सेकेंड ग्रेड सॉसरर तोगे। तो यहाँ पे तोगे शॉपिंग मतलब एक दुकान से निकलता है एक मेडिसिन लेके, एक थ्रोट मेडिसिन लेके, ये देख सकते हैं इसके हाथों में थ्रोट मेडिसिन खरीदता है क्योंकि ये जो स्पीच यूज करता है इसका थ्रोट का पावर्स बहुत वहाँ पे एग्जर्ट होता है। तो वहाँ पे उसका थ्रोट को मतलब खराब हो जाता है या फिर फट जाता है ऐसे यूज करता है वो अपना पावर। तो इसके लिए भी उसको थ्रोट मेडिसिन चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो आदमी वहाँ वेल क्रिएट करके दोनों को अंदर भेज देते हैं। ये दोनों अंदर जाते जाते पहले जो इनकाउंटर करते हैं एक मतलब छोटा कर्सू से बना हुआ एक बड़ा झुंड, जिसको आसानी से तोगे देख सकते हैं कर्स पीस यूज करके इसको मतलब डेमोलिश कर देता है, पूरा राख बना देता है। और जब भी ये लोग मतलब ये काम करके वापस आ रहे थे तब देखे कि वेल नहीं खुल रहा है, तो खुल जाना चाहिए था अगर अंदर का कर्स खत्म हो जाए तो ये वेल खुल जाना चाहिए था, ये नहीं खुला। तो अचानक इन लोगों को मतलब रियलाइजेशन होता है कि कोई स्पेशल ग्रेट कर्स आगे इन लोगों के पीछे खड़ा हो गया। तो ये देख सकते हैं कि पीछे अचानक आ गया। तो यहाँ पे एक आदमी को स्माइल करते हुए देखेंगे, ये वही जूसू सॉसरर है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जो एंटागोनिस्ट है हम लोग स्टोरी का। तो इसी ने भेजा है ये, बाद में हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कर्स का पावर यूज कर रहा है, यहाँ से लाइट बीम जैसे निकल रहा है जमीन से और यहाँ पे ये दोनों बच के निकलते हैं कुछ। और यहाँ पे तोगे फिर से कर्स पीच यूज करके इसका हाथ को ट्विस्ट कर देता है और देख सकते हैं यहाँ पे उसके मतलब इंजर हो जाता है, गला इंजर हो जाता है। तो वहाँ पे यूता उसको बचा के लेके आ जाता है, यहाँ पे बात करता है दोनों की कैसे स्ट्रेटजी बनाता है कैसे फाइट करे। तो एक बार तोगे भी बोलता है कि चलो तुम मतलब फर्स्ट ग्रेड हो, अभी फर्स्ट ईयर में हो, अभी बहुत छोटे हो, तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं जाऊँगा। तो वहाँ पे युता को रियलाइजेशन होता है, फिर ये दोनों एक साथ जाते हैं फाइट करने, सोचते हैं कि हम लोग कोई एक बेट बनेगा कोई एक फाइट करेगा। तो ऐसे युता पहुंच जाता है देख सकते हैं। और यहाँ पे कर्स एनर्जी यूज करता है अपने सोट के साथ और इसको एक सोट अटैक करता है, लेकिन ये सुपरफिशियल वुंड होने की वजह से मतलब कर्स जैसे अपना डेमन के जैसा ही अपना वुंड कर लेता है ठीक, जो उतना जल्दी नहीं कर पाता है लेकिन कर लेता है और उसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो देख सकते हैं कि यूता अकेला ही इसको हरा नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे तोगे आ जाता है, तोगे आके यहाँ पे मतलब वो थ्रोट मेडिसिन यूज करता है अपने गले के लिए और फिर काम तमाम हो जाता है उसका। काम करने के बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, फिर जाके फंस जाते हैं वेल के वहाँ, क्योंकि ये जो कर्स यूजर है मतलब स्पेशल ग्रेड कर्स यूजर है ये अभी भी उसके अंदर है। ये अंदर जाके फिर से अपने अपने लिए अलग से वेल बना लिया था इसीलिए ये लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। इसको लगा कि वो जो आईएनटी कार्ड उसको मिला था उस बिल्डिंग में इसको जाके यूता को दे दे अभी, लेकिन ये तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कि गोजो पहुंच जाता है इंस्पेक्शन के लिए या जो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था कांड उसको देखने के लिए। तो वहां पे उसका मतलब जो सेक्रेटरी है या फिर उसके अंडर जो काम करता है उसको रिपोर्ट देते हैं कि 3 3 रेसिड्यू पाया गया है, 3 कर्स यूजर का मतलब 3 लोगों का रेसिड्यू पाया गया। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट लेके अंदर जाता है देखने के लिए, अंदर जाके वही जगह स्पॉट करता है जहाँ पे वो मिस्ट्रेस आदमी बैठा हुआ था। तो
इसको पता चल जाता है, गोजो को पता चल जाता है कि वो कौन था। तो यहाँ पे आके जो आदमी वेल बनाया था वो क्षमा मांगता है कि मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ, अंदर कोई और वेल बना लिया था, मुझे पता ना कैपियर हो गया था वहाँ पे, वो होना नहीं चाहिए था, ग्रेड सेमी फर्स्ट ग्रेड था वो, वहाँ पे अपेयर नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, इसके लिए माफ चाहता है। फिर गोजो उसको बोलता है कि तुम माफी क्या चाह रहे हो, तुम आउटक्लास्ट हो गए वहाँ पे, तुमको किसने मात दिया यहाँ पे। तो जब पूछता है कि किसने मात दिया, तो आ जाता है कैरेक्टर सामने जिसका हम लोगों का बहुत देर से इंतजार था। तो देख सकते हैं यहाँ पे सुगुरु गेतो, ये जो गेतो कैरेक्टर है इसको हम लोगों ने सीजन 1 में देखा है जुजुत्सु कैसेन का, तो आप लोगों को पता होगा ये बहुत पावरफुल है, और पहले और ज्यादा पावरफुल था, उसके बाद युता के साथ फाइट हुआ वो बाद में आएगा। तो ये एक आदमी है मतलब जुजुत्सु सॉर्सरर है, वन ऑफ द 4 ग्रेट जुजुत्सु सॉर्सरर्स है ये, जिसको जुजुत्सु हाई से बैन कर दिया है क्योंकि ये 100 लोगों को मतलब ऐसे ही कर्ज करके मार दिया था, इसीलिए ये बैन हो गया है वहाँ से। और ये इंसान इतना पावरफुल है कि गोजो का क्लासमेट भी है, फ्रेंड भी है, ओल्ड फ्रेंड भी है, और गोजो का टक्कर मिलता है 2 औरत से, तो वहाँ पे ये लोग प्रॉब्लम बोलते हैं अपना, तो ये तुरंत बोल देता है कि तुमको ये लगता है, तुमको ये लगता है, तो ये लोग चौंक जाते हैं। तो फिर देख सकते हैं कि ये जो कर्स है ये औरत के शरीर के ऊपर मतलब हावी हो गया। तो यहाँ पे सुगुरु के तो क्या करता है, उसको खींच लेता है अपने और एक बॉल में कैद कर लेता है उस कर्स को, और उसको बाद में खा जाता है। हम लोग देखेंगे आगे, तो यहाँ पे इसका मतलब रियल जो क्वालिटीज है थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्प्रे कर रहा है अपने शरीर के ऊपर जिससे ये कर्स का स्मेल बदबू ना आए और बाकी लोगों को पता ना चले कि इसके पास कर्स है, या फिर ये कर्स एनर्जी स्टोर करता है अपने आपके अपने शरीर में। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई काउंसिल मेंबर्स या फिर उसके बोर्ड मेंबर्स जो है वहाँ के आ जाता है और आके बोलता है तुमने मुझे कर्ज किया है, मैंने ऐसा दिया है, तो ये कर्ज तुम नहीं कर सकते, कर्ज हटाओ ऐसे बोलता है। तब ये पेमेंट चेक करने के बाद देख रहे हैं ये कर्ज जो बॉल बनाया था उसको खा लेता है और उसके ऊपर जो कर्ज ऑलरेडी था उसको एक्टिवेट कर देता है। और ये देख सकते हैं कि तुरंत ये खत्म हो जाता है, आदमी खत्म कर देता है इसको। और यहाँ पे चला जाता है जो अपना टीम मेंबर्स है, अपना अंडर जो जो सॉर्सरर्स है जिसको सिखाया है ये तो उन लोगों के पास चला जाता है और बोलता है कि हम लोग जाने वाले हैं अभी जुजुत्सु हाई में। बोला उसने गेतो ने कि हम लोग जुजुत्सु काइज़न में जाएंगे, वह डिक्लेयरेंगे। तो ये तुरंत मतलब पता चल जाता है युता को कि कुछ बैड होने वाला है, ये घूम के देखता है पीछे, तो ये सब लोग पूछते हैं कि इसके मन में चल रहा है ये ऐसा कुछ। तो हम लोग देखेंगे वहाँ की गोजो जुजुत्सु हाई स्कूल का मतलब प्रिंसिपल के साथ बात कर रहा है, और यहाँ पे बात करते हुए इन लोगों को अचानक ही रियलाइजेशन होता है, और देख सकते हैं प्रिंसिपल दौड़ के जा रहा है, मतलब इन लोगों को पता चल गया कि ऑलरेडी ये तो आ चुका स्कूल के अंदर। और हम लोग देखेंगे ये तो उतरता है एक बड़ी वाली बड़ा सब बर्ड के साथ, और ये बर्ड के अंदर इसका मतलब सबऑर्डिनेट सब है, तो धीरे धीरे ये लोग निकलेंगे। तो यहाँ सब देख रहे हैं कि जूस वाले के सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट खड़े हैं, तो ये लोग सीरियस है, ये कर स्पीच यूजर पांडा माकी और यूता भी सीरियस है। और यहाँ पे देख सकते हैं अचानक मतलब इतना फास्ट आता है गेतो, युता का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मदद कर सकते हो मेरा गोल अचीव करने में, मेरा एक ऐसा गोल है जिसमें मैं एक सोसाइटी क्रिएट करना चाहता हूँ जो जहाँ पे सिर्फ जुजुत्सु यूजर रहे और बाकी नॉन जुजुत्सु यूजर को हम लोग मार डालेंगे। तो ये सुन के युता भी चौंक जाता है, पांडा भी चौंक जाता है, माकी चौंक जाती है, और यहाँ पे तोगे भी चौंक जाता है। तो देख सकते हैं उसके स्टूडेंट सब आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सब आ जाते हैं, और यहाँ पे गोजो डायरेक्टली बोलता है कि मेरे स्टूडेंट के वहाँ से हटो, इसके कानों में तुम गलत आइडिया मत डालो, ये सब आइडियाज इसके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके तुरंत बाद गेतो बोल देता है कि मेरा यहाँ पे आने का एक ही कारण है जो मुझे वार डिक्लेयर करना है, और वार डिक्लेयर कैसे करना है, 24 तारीख इसी महीने का दो जगह होगा अटैक जहाँ पे हजार हजार 2 हजार कर्सों को छोड़ा जाएगा, और क्योटो और टोक्यो में छोड़ा जाएगा। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आ जाओ, और अगर मारना चाहते हो तो लेटेस्ट कर्स रिच आदर, ये बोल के ये यहाँ से तुरंत निकलने का कोशिश करता है। तो गोजो यहाँ पे आगे बढ़ता है, लेकिन ये जो कर्स देख रहे हैं ये भी कोई मतलब ग्रेड 1 कर्स ही होगा, जिसके लिए यहाँ पे रोक देता है सातोरू युता को, बोलता है कि रुक जाओ, और यहाँ पे ये निकल लेता है।
ये बर्ड का पैर देख रहे पकड़ रहा है, और यहाँ पर जाता है जहाँ पे ये दोनों मतलब गोजो सातोरू और सुगुरु गेओगा दोनों का बिलीव्स, मतलब एक जो बिलीव करते हैं अपने आप में, जो राइचियसनेस होता है, ये सब के मतलब ये दोनों में बातचीत चलता है कि ये तुम बिलीव करते हो, ये मेरा रास्ता है, तो ये एक दूसरे के से अलग यहीं पे हो जाते हैं। गेतो अपना रास्ता पकड़ लेता है और जो गोजो है वो रह जा रहा है वहीं पे। तो यहाँ पे तो हाई में सब बैठे हुए हैं कि सुगुरु गेतो का क्या क्या पावर है, यहाँ जानने लिए कि ये कर्स मैनिपुलेशन यूज करता है और ये नेचुरली अनबाउंड कर्सेस को मतलब अपने आप ले सकता है, अपने आप कंट्रोल में ले सकता है। और ये इसका नया अपेरिशन है जो ये मतलब कर्स को उसके फॉलोअर से भी चुरा सकता है। तो यहाँ पे बातचीत के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंसिपल बोलता है कि इसके पास ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, कमजोर कर्स हुआ ऐसे कुछ। तब गोजो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा आदमी है कि ये वर्ड डिक्लेयर करेगा जो ये जीत नहीं पाएगा, ऐसा ये आदमी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल भी मतलब फिर से रेस्टलेस हो जाता है, फिर बोलता है कि इशू ए वार्निंग टू 3 मेजर क्लैंस, मतलब 3 जो मेजर क्लैंस है जुजुत्सु कैजन जुजुत्सु सॉर्सरर्स के, उसको इन्फॉर्म कर दो, जुजुत्सु सोसाइटी को इन्फॉर्म कर दो, और बोथ जगह मतलब क्योटो और टोक्यो दोनों जगह पे सुरक्षा बढ़ा दो, सॉर्सरर्स को वहां भेज दो क्योंकि ये वार होने वाला है। हेलो, नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कैसे सुगुरु के तो मतलब अपने क्रू मेंबर्स के साथ, अपने अपना सबॉर्डिनेट्स के साथ बात करता है कि ये प्रिंसिपल सोचता रहेगा कि मैं इधर उधर अटैक करूंगा और मैं असली जगह जाऊंगा, मेरा मकसद जो है रिका ओरिमोतो को अपने कंट्रोल में लाना, वो स्पेशल ग्रेड कर्स है उसको अपने अंडर में लाना, उसके लिए ये युता को मारेगा जुजुत्सु हाई में जाके और फायदा उठाएगा उसी जगह मतलब उसी बात का जो यहाँ पे ये जहाँ पे वर्ड डिक्लेयर करके आया कि मैं क्योटो और टोक्यो में वर्क करूंगा, तो बाकी सब सॉर्सरर्स वहां बिजी हो जाएंगे और ये जुजुत्सु हाई में जाके स्कूल में, हाई स्कूल में, जुजुत्सु हाई स्कूल में, टोक्यो हाई स्कूल में, यहाँ पे युता और माकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बातचीत चलता है कि क्यों माकी को वहाँ पे सुगुरु गेतो ने बताया कि ये यूजलेस है मतलब फैमिली में, तो ये वहाँ बताती है कि मैं कर्स स्पिरिट यूज नहीं कर सकती, मैं कर्स एनर्जी यूज नहीं कर सकती, मुझे कर्स देखने के लिए भी ये चश्मे की जरूरत होती है, तो जब मैं ग्रेड वन सोसर बन जाऊंगी तो मैं फैमिली में जाके टहल टहल पहल मचाऊंगी। तो ये सब बोलते बोलते यहाँ पे दोनों का बात खत्म होता है और देख सकते हैं कि वहाँ पहुंच जाता है सुगुरु के, तो हम लोग का मेन विलेन, तो वहां पहुंच के ही ये स्कूल के चारों तरफ वेल क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और अचानक युता और माकी दोनों पता चल जाता है कि वहां पे वेल क्रिएट हो रहा है और वो लोग कुछ एक्शन लेने का कोशिश करते हैं, हम लोग को पता चलेगा। और यहाँ देख सकते हैं कि गोजो भी सोच रहा है कि जो यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पे बस एक ही इंसान है, एक ही कर्स है जो इन लोगों को ट्रबल दे सकता है, तो यहाँ पे खुद गेतो भी नहीं आया है, तो ये सोच में पड़ गया कि गेतो का असली मकसद क्या है। ये सोचते सोचते यहाँ पे देख सकते हैं कि सीन दोबारा वहां चला जाता है फाइट के, वहां जहाँ पे गेतो पहुंच गया है और गेतो के साथ माकी का मतलब सामना आमना सामनी होता है। तो यहाँ पे जैसे पता है हम लोग माकी बहुत कमजोर है, तो यहाँ पे हार जाती है माकी, तो और वहाँ पे जो गोजो ने सोचा था वो कंफर्म कर लेता है, और देख सकते हैं कि तुरंत मतलब ये पांडा और तोगे को भेज देता है जुजुत्सु हाई में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब ऐसे टाइम पे भेजा है, ये जो व्हाइट कलर का टोपी पहना हुआ है यही है एक जो गोजो को रोक सकता है, मतलब इसीलिए सुगुरु गेतो ने इसको यहाँ पे भेजा है कि तुम गोजो को रोक के रखो, मैं जुजुत्सु हाई में जाऊंगा, युता को मारूंगा, रिका ओरिमोतो को अपने कब्जे में ले लूंगा, बस हो गया, फिर कोई नहीं रोक सकता हम लोगों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब गोजो भी रेडी है फाइट के लिए, सीधे फाइट के लिए वो अपना आंख भी निकल मतलब नॉर्मली वो देख सकता है लेकिन जब खोल लेता है तो उसका पावर 6 गुना हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे जो तोगे और पांडा को भेजा था गोजो ने वो लोग हवा में आ रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं वेल क्रॉस करने वाले हैं, तो और यहाँ पे वेल क्रॉस करके आ जाते हैं, तो यहाँ पे सुगुरु गेतो भी चौंक जाता है कि ये लोग इतना जल्दी दीवार फान करके सबसे शॉर्टेस्ट रूट लेके मेरे सामने आ गए। तो यहाँ पे फाइट चलता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि तोगे भी अपना कर्स पीस यूज करता है लेकिन ये भी कम पड़ जाता है। देखेंगे यहाँ पे कि माकी को पकड़ के यहाँ पे पांडा और तोगे खड़ा है पीछे से, ये तो नीचे से उठ रहा है, मतलब
इंजर्ड होके भी ये, और हम लोग पहुंच जाते हैं मूवी के मतलब एकदम आखिरी आखिरी ओवर की ओर, आखिरी खत्म होने वाला है मूवी। तो देख सकते हैं यहाँ पे योद्धा चला आता है सामना करने का, मतलब जो देखता है कि माकी पांडा और तोगे गिरा हुआ है, तो ये तो योद्धा वहां पर पहुंच जाता है फाइट करने के लिए और डायरेक्ट बुला लेता है रिका सान को, मतलब रिका ओरिमोटो। और देख सकते हैं यह फाइट स्टार्ट होने वाला है और फिर से शिफ्ट हो जाता है फाइट वहां जहाँ पे गोजो फाइट कर रहा है उस व्हाइट टोपी वाले से, और वहां पे गोजो भी सोचता है कि ऐसा कर्स टेक्निक मैंने मतलब मेरा डिसरप्ट कर रहा है, मेरा एनर्जी डिसरप्ट कर रहा है यहाँ पे, जो मतलब इतना ये रोक के रखने के लिए उसको भेजा है, तो ये वही काम कर रहा है वहां पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में डिस्टर्ब करने के लिए कोई कर्स आ जाता है इन लोगों के दोनों के फाइट में, तो ये गोजो एक हंस से बोलता है कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर और उसको मार देता है। और देख सकते हैं यहाँ पे कि फिर से वहां शिफ्ट हो जाता है फाइट, और अभी सुगुरु गेतो के पास एक कर्स्ड वेपन भी आ गया है, मतलब निकाल लेता है और फाइट करना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे दोनों मतलब रिका चान और युता दोनों एक साथ फाइट करते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ टक्कर देता है सुगुरु गेतो, और फाइट करते करते ये बोलता है कि तुम्हारी क्या औकात है भाई, कोई औकात नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ पे कि जब कर्स्ट एनर्जी इम्ब्यू करके ये शॉट मारता है तो इसका शॉट टूट जाता है, और यहाँ पे पहली बार स्टोरी में भी हम लोग देख सकते हैं कि ब्लैक फ्लैश देखेंगे नेक्स्ट पेज में। और देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक फ्लैश यूज करता है यूता और पंच करता है मतलब सुगुरु गेतो को फेस में, और इसको मतलब ये देखा ब्लैक फ्लैश और इसको भेज देता है बहुत दूर। लेकिन वहां भी ये इंजर्ड होने के बाद भी ये खड़ा हो जाता है फिर से और बोलता है कि 16 स्पेशल ग्रेड कर्स है, उसमें से एक मैं लेके आया हूँ, उसको उसको इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि अभी मैं जो अटैक करूंगा ये मेरा फाइनल अटैक होगा, और निकालता है एक हाथ में ये स्पेशल ग्रेड कर्स और दूसरे हाथ में आ जाता है इसका 4461 कर्स एक साथ, उसको एक साथ गैदर करके ये फाइट करने वाला है। तो यहाँ पे फाइट धमासान फाइट होता है, हम लोग आप लोग मूवी देखेंगे तो पता चलेगा, मूवी देख लीजिएगा, यहाँ पे उतना कुछ दिखा नहीं पाऊंगा मैं। और देख सकते हैं फाइट हर जगह चल रहा है, मतलब हर जगह फाइट हो रहा है और मतलब बहुत बढ़िया फाइट हुआ है यहाँ पे, और ये सब फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, फाइट में सब इन्वॉल्व है, सबका कंट्रीब्यूशन है। ये कैरेक्टर जो माई फ्रेंड हो आप लोग देखोगे सीजन में ये भी है, सबको दिखाया। फाइट खत्म होने के बाद जब ये दोनों सोचते हैं कि मतलब इन दोनों का चलता है कि ये दोनों क्लासमेट्स थे, क्लासमेट्स रहते रहते एक दूसरे का मतलब राइचियसनेस बिलीव्स सब चेंज हो गया, तो कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया और ये मोड़ पे आ गए ये लोग। और देख सकते हैं कि फाइट खत्म होने के बाद जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे गेतो को बख्श देता है गोजो, बोलता है कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मूवी में दिखाएगा नहीं लेकिन छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे सीजन 1 में देखें कि गेतो अभी भी जिंदा है, और मूवी यहीं पे खत्म होता है। इसके आगे थोड़ा एक सीन है जो आप लोग मूवी थिएटर में देखिएगा जरूर, मतलब टाइटल्स खत्म होने के बाद चले मत जाइए, वहाँ पे एक छोटा सीन है बाद में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मूवी खत्म होता है। अच्छा लगे गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस, और लाइक कीजिए और जितना हो सके दोस्तों को बताइए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।